नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं ईटा से, जहां पर कोचिंग पकड़कर लौट रहे अलग अलग साइकिल पर सवार दो छात्रों को ट्रक ने रौंद दिया है। बता दें कि ये छात्र कोचिंग से लौट रहे थे और इसी वक्त इनके साथ ये हादसा हुआ, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा छात्र घायल बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये घटना गांव अमरगोजिया की बताई जा रही है। और रायबरेली में यात्री कर अधिकारी अधराज गुप्ता ने अभियान चलाकर 8 स्लीपर लग्जरी बसों समेत 41 वाहनों का चालान किया है। आपको बता दें कि बस का चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल यात्री कर अधिकारी ने बुधवार की सुबह ही कानपुर मार्ग पर एक बस को रोककर चालक की जांच की। ये चालक नशे में मिला, साथ ही बस को सीज कर अब थाने में खड़ी करवा दिया गया है। दरअसल 8 स्लीपर बसों में खामियां मिलने के बाद उनका चालान काटा गया और हाईवे के किनारे मिली ये वाहनों की भी चेकिंग की गई है, जहां पर यात्री कर अधिकारी ने बताया कि बुधवार को विशेष अभियान चलाकर 41 वाहनों का चालान काटा गया है। इसमें 8 स्लीपर बसें शामिल हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गोरखपुर से 7 जिलों में बने बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। यहां वो रायबरेली जिले के बीजेपी कार्यालय का मौके पर पहुंचकर उद्घाटन करेंगे, साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके साथ पहुंचेंगे। इसी को लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बताया ये जा रहा है कि सुबह 11 बजे के बाद डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंचेंगे। इस दौरान वो वहां पर बने नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में ये कार्यालय का उद्घाटन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गोरखपुर से उद्घाटन करेंगे और रायबरेली जिले में 11:30 बजे से 12:30 बजे जब जेपी नड्डा जी उद्घाटन कर देंगे, उसके बाद रायबरेली जिले में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रायबरेली जिले के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे और उसके पहले एक गरीब कल्याण सभा सिविल लाइन चौराहे पर जो अपना रायबरेली क्लब है उसको संबोधित करेंगे, उसके बाद 11:30 से 12:30 कार्यालय का उद्घाटन। और प्रयागराज में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां बीजेपी पार्षद रिंकी यादव और उनके पति रामकुमार यादव पूर्व महानगर उपाध्यक्ष की दबंगों ने लाठी और डंडों से पिटाई कर दी। बता दें कि पिटाई से बीजेपी पार्षद रिंकी यादव और उनके पति रामकुमार यादव और भतीजे सचिन यादव घायल हो गए। तो वहीं पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने मौका पाकर बीजेपी पार्षद पर यह हमला बोला है। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद पार्षद पति की तहरीर पर फाफामाऊ पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि विवाह कार्यक्रम से पार्षद पति बीती रात को लौट रहे थे, इसी दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और यहां पर पार्षद पति पर दर्जन भर हमलावर हमला करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। तो वहीं वहां से ताजा सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी को रोका गया है और कई हमलावर गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हैं और हमला किया जा रहा है, मारपिटाई हो रही है। बता दें आपको, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष और पार्षद रिंकी जो है उनकी मारपीट की गई है। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और पुलिस ने अब तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। अब देख सकते हैं दबंग काफी हमलावर हो गए हैं और गाड़ी को भी नष्ट करने की कोशिश यहां पर की गई। और यूपी के शाहजहांपुर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी को लाठी डंडों से पीटा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रेमी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल जलालाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात को करीब 8 बजे
डहर गांव में ममता और उसके प्रेमी रमन पाल की उसके पति ओमपाल और बेटों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी और एस आनंद ने हत्या आरोपी की तलाश शुरू की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस टीम का गठन किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि ममता की शादी डहर गांव के ओमपाल से हुई थी और शादी के बाद दंपति के 3 बेटे और 1 बेटी हुई। करीब 10 साल पहले ममता ओमपाल को छोड़कर गांव के ही रहने वाले एक रमन पाल नाम के शख्स के साथ रहने लगी, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया और दोनों गांव छोड़कर चले गए। लेकिन पिछले ही साल जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू हुआ और इस दौरान ये दोनों वापस लौट आए थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। कि मेरे भाई थे जो ओमपाल की घरवाली के साथ रहते थे, फिर लॉकडाउन में घर पर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे और ये लोग इसी बात से दुश्मनी मनाते थे कि मेरी औरत है ये रख रहा है। कौन कौन? ओमपाल, ओमपाल के लड़के और उनके सहयोगी जितने हैं। अच्छा, बहुत सारा। और इतने दिन से हम लोग को मौका नहीं मिला, आज हम लोग घर पर थे नहीं। मेरे बड़े भाई जो है, मेरा खेत है वहाँ कर रहा, हम वहाँ पर सब्जियाँ तोड़ने गए, तब उन्होंने अकेला जान कर उन्हें घेर लिया, तब उनको बचाने उनकी घरवाली जाई, उनको भी मार दिया। ये थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम रमन पाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में यह है कि जो मृतका है वो रमन पाल और राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रहे थे, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में, और इसी में इनके बेटों को ये बात भगवान गुजरती थी। लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानी करते थे, काम करते थे, उसी समय से इनके ताल्लुकात थे और एक तरह से फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये उसी के साथ रहेंगे। लेकिन इनके बेटों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी कारण से आज ये घटना कारित की गई। और यूपी के सीतापुर में दबंग किन्नर द्वारा निर्दोष किन्नरों को मर्डर केस में फंसाने की साजिश का मामला सामने आया है। इसी के चलते किन्नर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई गई। दरअसल आपको पूरा मामला बताते चलें कि मामला है सीतापुर जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र केसरीगंज का। यहां पर किन्नर मुस्कान उर्फ प्रभात मिश्रा की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई और उसका अंतिम संस्कार बिस्वा में सोनी किन्नर ने खुद के पैसे से विधि विधान से किया। अब विपक्षी गण रेशमा किन्नर, जो कि काफी दबंग है, वो सोनी किन्नर के मकान पर भी कब्जा कर चुका है और कई तरीकों से फर्जी केस भी चला रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनी किन्नर, रानी किन्नर, छोटी किन्नर और चमेली किन्नर पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई, जहां पर दबंग रेशमा का बड़ा ग्रुप भी चल रहा है और जो कि हर जगह पर दबंगई करता है। इसी को लेकर सोनी किन्नर ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब इन विरोधियों पर कार्रवाई कर इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। हालांकि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसका भी मकान है उसे वापस दिया जाएगा। रानी बहन है वो हमारी हम भाई इसलिए आए कि मेरे लहरपुर कोतवाली का मसला है। कहे से हमारे वहाँ घर था केसरीगंज, वहाँ पे मुस्कान किन्नर रहती थी, कम से कम हो गए 13-14 साल से। उनका ये चेला जेठानी किन्नर, ममता किन्नर, उसका रहने के कम से कम उनके 8-9 साल पे बीमार थी वो, काफ़ी बीमार है। बीमार होने के बाद उनके पास पैसा नहीं बचा तो वो बोली इनसे कि मैं हमको बिस्मा लेके चलो, हमारी वो जो सोनी बहन हमारी इलाज करवाएंगे, रानी बहन है वो हमारी इलाज करवाएंगे। हमारे यहाँ लेके आई, हमने उनको उनकी काफ़ी इलाज करवाया, एक पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, लगाने के बाद वो उनका हमारे यहाँ फिर वो 2023 जुलाई में ख़त्म हो गई, 24 जुलाई को। हाँ, और उनके मेरे पास सारे कागज़ रखे, एच आई वी थे और काफ़ी बीमारी थी, सारे कागजात मेरे पास जहाँ जहाँ पर इलाज हुई है। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है कि हमारे वहाँ जो महमूदाबाद की रेशमा है और हरिगांव की जूही, ये उस मकान पे कब्जा कर लिया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के गौरिया स्थित बहुचर्चित कबाड़ मंडी डीएम और एसपी के आदेश पर अब पुलिस ने पूरी तरीके से बंद करवा दी है।
बताते चले आपको कि कबाड़िया में मची भगदड़ और इसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार लहपुर का बहुचर्चित कबाड़ हमेशा सुर्खियों में रहा है और आज सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के द्वारा कार्रवाई की गई और कबाड़ व्यापार पर संज्ञान लिया गया। इस दौरान कबाड़ की दुकानों को बंद करने का सख्त आदेश दिया गया है, साथ ही साथ कबाड़ मंडी के लिए स्पेशल टीम का भी गठन करने की बात कही गई। गंभीरता से जांच की जाएगी और आगे इसके बाद कबाड़ी व्यापारी अपनी दुकानों को संचालित कर सकेंगे। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह के नेतृत्व में अपराध निरीक्षक राम राघव सिंह, उप निरीक्षक श्याम देव राम और पुलिस बल इनके द्वारा कबाड़ मंडी पहुंचकर कबाड़ की दुकानों को पूर्णतः बंद करवा दिया गया है। पुलिस के पहुंचने की सूचना से कबाड़ियों को उससे पहले ही कुछ कबाड़ की दुकानें बंद करके वो भाग गए थे। इसी बीच लखनऊ में बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब देख सकते हैं तस्वीरें भी, जहां पर तमाम दिग्गज बीजेपी के मौजूद हैं और लखनऊ में बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन आज किया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप और जसवंत सैनी, दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा, इन्होंने एमएलसी का नामांकन किया है। बताते हैं आपको कि नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नामांकन के दौरान शामिल दिखे हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज एक ही छत के नीचे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद रहे, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां मौजूद रहे हैं और इस दौरान 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल दिखाई दिए और तमाम दिग्गज बीजेपी के यहां से सामने आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर जोर शोर से नामांकन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ नाम आपको बता दें कि एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन के जो नाम सामने आए हैं, 9 बीजेपी प्रत्याशी हैं जिनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां मौजूद रहे, भूपेंद्र सिंह मौजूद दिखे और आपको बताते चलें कि दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर ने नामांकन किया है। साथ ही साथ नामांकन के लिए पहुंचे नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी जिन्होंने नामांकन किया, इनके साथ इसी क्रम में नाम आता है मुकेश शर्मा का जिन्होंने एमएलसी का नामांकन किया है। आगरा में आरएनयू की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां आपको बता दें कि इसी खबर के असर को देखते हुए एतामदौला में संदिग्ध चांदी लूट से जुड़ा यह मामला है जिसमें अहम खुलासा किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो कारीगर है वही पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला। दरअसल कर्ज से बचने के लिए फर्जी लूट की यह साजिश और कहानी बनाई गई। आरोपी लूट की झूठी सूचना पर 5 घंटे तक पुलिस को चकर घिनने की तरह घुमाता रहा, तो वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी खंगालने पर उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपाचे बाइक पर जाता हुआ नहीं दिखा है। इसके बाद चांदी कारीगर का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद मेडिकल में होने के बाद पुलिस को यह मामला फर्जी लगा है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ की और जिसके बाद कारीगर ने खुद कबूल किया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस ने मात्र 7 घंटे में चांदी कारीगर की निशानदेही पर 33 किलो चांदी को बरामद कर लिया है। क्षेत्र में दोपहर के बाद एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि वो 32 किलो चांदी लेके आ रहा था मोटरसाइकिल पे और उसकी चांदी कुछ मोटरसाइकिल सवारों द्वारा लूट ली गई थी और उसने ये भी बताया था कि उसकी आंखों में मिर्ची डाल के ये चांदी लूटी गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और SPCT साहब ने, CO छत्ता ने इसका मौका मुआयना किया और इंस्पेक्टर इसमें CCTV देखने में लगे, उसकी डॉक्टरी भी कराई गई और डॉक्टरी में कहीं भी मिर्ची आंखों में होने का कोई एविडेंस नहीं मिला, कपड़ों पर मिर्ची होने का एविडेंस नहीं मिला, तब ये लगा कि ये कुछ मामला गड़बड़ है। इससे पूछताछ की गई, पूछताछ में इसके द्वारा इस चीज़ का खुलासा किया गया, पूरी चांदी 32 किलो चांदी एक जगह रखी हुई इसके द्वारा बरामद कराई गई वादी द्वारा और इसके द्वारा ये बताया गया कि उस पर बहुत सारे लोगों की देनदारी थी, इस वजह से उसने चांदी को गायब किया था, लूट दिखा के वो चांदी लूट दिखा के उस देनदारी से
बचना चाहता था। तो इस तरह जो वादी है उसी के खिलाफ ये जो 394 का मुकदमा है लूट का, ये 406, 420 और 182 ITC में तर्मीम हुआ है और वादी को, वादी जो रिंकू है इसे जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां पर आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि इस सीट पर 23 जून को वोटिंग होगी और बीजेपी ने इस सीट पर दिनेश लाल यादव और बसपा से शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया। नामांकन के बाद हर दल अपने पक्ष में वोटरों को लामबंद करने में लग गया है। और अब आपको बता दें कि गुरुवार को ओपी राजभर भी आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे। जानकारी दी है कि बुधवार को सपा ने पार्टी के ही 4 नेताओं को एमएलसी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया था और इसी के बाद सपा गठबंधन में बगावती सुर तेज हो गए। तो वहीं यह भी माना जा रहा था कि अब तीनों दलों से सपा से अलग राह चलने का मन बना लिया है, लेकिन गुरुवार को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से सुभाजपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी के साथ प्रचार भी किया और इस दौरान सपा प्रत्याशी के साथ ही ओपी राजभर ने भी वोट मांगा है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को परिवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड को बढ़ा देने की मांग की है। इसे स्वीकार कर लिया गया है और अब सत्येंद्र जैन की रिमांड 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई। ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट से निकलते समय सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को लेकर दलील भी दी कि रिमांड के बाद लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के परिसरों को तलाश किया गया और इसी के साथ ही तलाशी में यह पता चला है कि सत्येंद्र जैन उसके अध्यक्ष थे। ईडी ने यह भी बताया कि दस्तावेजों के मुताबिक जैन और उनकी पत्नी दोनों ही ट्रस्ट के सदस्य हैं और साथ ही साथ वैभव और अंकुर जैन उनके बेनामीदार थे और बेनामीदार से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि यह नकदी लगभग 2.85 करोड़ की है और साथ ही 1.8 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया। रजिस्ट्रों में कोई और कई ऐसी खामियां और कई एंट्री ऐसी इन सब चीजों को लेकर मिली है जो कि सत्येंद्र जैन की मुश्किल अब आगे और भी बढ़ा सकती है। तो इन जरूरतमंदों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहने वाले अभिनेता सोनू सूद के चाहने वालों की संख्या बिहार में भी काफी बढ़ गई है। लॉकडाउन में मुश्किल वक्त में मदद का हाथ बढ़ाने वाले इस अभिनेता की वैसे तो पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है, लेकिन हाल ही के दिनों में इनके प्रयास से बिहार के कई बच्चों का जीवन पूरी तरह बदल गया। आपको बता दें कि नवादा जिले के हेमदा गांव में लोगों ने सोनू सूद को भगवान का दर्जा दिया है। दरअसल वारिसलीगंज की सौर पंचायत के हेमदा गांव की 2.5 साल की चौमुखी दिव्यांग है और उसके पिता बसंत पासवान और माता उषा देवी किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। चौमुखी के परिवार में 5 में से 4 सदस्य दिव्यांग हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए चौमुखी का इलाज कराना संभव नहीं था, लेकिन सोनू सूद को जब इसकी जानकारी हुई तो चौमुखी की जिंदगी बदल गई। भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम का आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। इसके बाद बता दें आपको कि विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी होगी। दरअसल 2017 में 17 जुलाई को चुनाव हुआ था और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का भी अधिकार नहीं। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और
और मतगणना 20 जुलाई को की गई थी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज़।